तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका एक और वीडियो में। लेकर के आ चुका हूं आपके लिए एक और वीडियो दोस्तों। तो दोस्तों, अभी मैं हूं कालकाजी मेट्रो स्टेशन के सामने। आप मेरे बैक साइड में देख पाएंगे कालकाजी मेट्रो स्टेशन। और दोस्तों, आज मैं जा रहा हूं, इस वीडियो में मैं आपको आज लेकर के चलूंगा दोस्तों इस्कॉन टेम्पल, जो की कालकाजी मंदिर के बिल्कुल पास में ही है। इस्कॉन टेम्पल का जो अंदर का जो पूरा एक माहौल होता है वो काफी ज्यादा अच्छा होता है। और आप चलिए मेरे साथ, वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो जो है वो काफी अच्छी होगी। और कालकाजी मेट्रो स्टेशन के सामने ये एक छोटा सा पार्क बना हुआ है, अभी उसी पार्क में मैं खड़े होकर के शूट कर रहा हूँ आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो काफी अच्छी होने वाली है। जब आप इस्कॉन टेम्पल्स के लिए जाएंगे तो रास्ते में आपको बराबर में, क्योंकि इसके ये लोटस टेम्पल भी पड़ता है, तो आपको ये दिख जाएगा। और पूरी फेंसिंग वगैरह हुई हुई है, मेन गेट इसका दूसरी तरफ से है। और ये पूरा आपको व्यू जो है दिखाई देगा, काफी ज्यादा शांति और काफी ज्यादा हरियाली यहाँ पर है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। और अभी मैं जा रहा हूँ इस्कॉन टेम्पल, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो अभी मैंने आपको दिखाया कि रास्ते में लोटस टेम्पल का भी कुछ व्यू यहाँ पर दिखाई देता है। तो दोस्तों, आप मेरे बैक साइड में देख पाएंगे काफी ज्यादा हरियाली है और पार्क जो है वो बना हुआ है। तो चलते हैं इस्कॉन टेम्पल की तरफ और आपको दिखाता हूँ पूरा किस तरह का व्यू इस्कॉन टेम्पल का रहता है, और काफी अच्छा माहौल रहता है वहां पर। तो दोस्तों, इस्कॉन टेम्पल जो है ये दिल्ली के अंदर ये पड़ता है कालकाजी मेट्रो स्टेशन और कालकाजी मंदिर के पास में ये पड़ता है। और काफी लोग यहाँ पर आते हैं डेली दर्शन के लिए। सुबह 9 बजे से लेकर के 2 बजे तक खुलता है और फिर शाम को 4 बजे खुलता है ये। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं मंदिर के सामने और आप देख पाएंगे कुछ इस तरह का व्यू जो आपको है वो दिखाई दे जाएगा मंदिर के सामने पहुंचने पर। और ये पूरा जो एरिया है ये पार्किंग का पूरा एरिया है, जो कि काफी ज्यादा स्पेस है यहाँ पे पार्किंग का और काफी ज्यादा अच्छी यहाँ पर व्यवस्था है। और दूर दूर से लोग भी आए हुए हैं, काफी ज्यादा बसेज और कार वगैरह यहाँ पर खड़ी हुई है। तो अभी हम आ चुके हैं मंदिर के अंदर और आप देख पाएंगे यहाँ पर खाने पीने के छोटे मोटे स्टॉल जो है वो लगे हुए हैं, और पीने के पानी की व्यवस्था भी जो है वो काफी ज्यादा अच्छी है और काफी ज्यादा साफ सफाई यहाँ पर है। और इस तरह का कुछ व्यू आपको मंदिर का दिखाई देगा मंदिर के अंदर से। और आगे चलकर दोस्तों, आपको जूते चप्पल निकालने के लिए भी यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है, और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आपको जूते चप्पल अब आप अपने निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मंदिर के अंदर की तरफ और कुछ इस तरह का आपको मंदिर जो है वो दिखाई देगा। काफी ज्यादा खूबसूरत देखने में जो ये मंदिर है वो पूरा देखने में लगता है, और कुछ इस तरह का आपको ये पूरा मंदिर का व्यू जो है दिखाई देगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं मंदिर के अंदर और मंदिर के अंदर किस तरह का नज़ारा आपको देखने के लिए मिलता है, आप मंदिर के अंदर के पूरे नज़ारे का मजा लीजिए। चलिए दोस्तों, चलते हैं।
दोस्तों मंदिर के चारों तरफ बना हुआ है एक कॉरिडोर, जिसमें बहुत ही अच्छी अच्छी जो पेंटिंग्स हैं भगवान श्री कृष्ण की वो लगी हुई हैं, और काफ़ी ज़्यादा भव्य है ये देखने में लगता है। और ये पूरा आपको पूरा एक सर्किल आपको मंदिर के चारों तरफ घूमेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी अच्छी यहाँ पर पेंटिंग जो है वो देखने के लिए मिल जाएंगी। तो दोस्तों ये थी इस्कॉन टेम्पल की पूरी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो लोग चैनल से जुड़े हुए हैं वो लोग चैनल से जुड़े रहें और अपना सपोर्ट इस तरह से बनाए रखें। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय।